नमस्कार दोस्तों, कोरोना के बाद से नेपाल से आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए भारत के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। इससे पर्यटक कारोबार प्रभावित हुए थे। साल 2019 तक की विदेशी बिरोक्रेट भारत प्रवेश करते थे और इसके साथ खूब विदेशी मुद्रा भी आती थी। कोरोना से पहले धारचूला से लेकर बनबसा तक हर साल औसत 7,000 से अधिक विदेशी पर्यटक नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करते थे, जिसका दोनों ही देशों को फायदा होता था। संक्रमण के दौरान भारत ने विदेशियों को नेपाल से सीधे प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन वर्तमान में कोरोना के नियम समाप्त हो गए, लेकिन फिर भी विदेशियों का आना प्रतिबंध नहीं हटा है। आज भी विदेशी पर्यटक सीमावर्ती इलाकों से वापस लौट जाते हैं, जिससे भारत के उद्योग जो कि पर्यटक पर चलते हैं उन पे भी प्रभाव पड़ रहा है, साथ साथ नेपाल के भी कुछ क्षेत्रों पर असर पड़ रहा है। गड्डा चौकी स्थित कार्यालय के प्रमुख बताते हैं कि हर रोज बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक यहां से भारत में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। कारोबारी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच का पर्यटक कारोबार एक दूसरे से बेहद ही जुड़ा हुआ है। कोरोना के बाद भी रोक नहीं हटना गंभीर है, ऐसे में विदेशी पर्यटकों से होने वाली आय प्रभावित हुई है। ऐसे कई लोग दिल्ली, नैनीताल, देहरादून, बद्रीनाथ, केदारनाथ और भी जगह चले जाते थे, लेकिन उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब उन्हें दोनों देश में विदेशी नागरिक होने के नाते प्रवेश नहीं दिया जाता और लोगों का कहना है कि इसको हटाया जाए जितना जल्दी हो सके। हालांकि भारत कहीं ना कहीं इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से करता है, लेकिन इससे भारत के ही पर्यटक पर असर पड़ रहा है, साथ साथ नेपाली पर्यटकों पर भी असर पड़ता है। शायद आने वाले समय में इसको जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि इससे लोगों को काफ़ी दिक्कत है। आपको क्या लगता है इस पर? कमेंट बॉक्स को उनके प्रयास जरूर चाहिए।